गोरखपुर शहर भारत नेपाल सीमा के पास राज्य की राजधानी लखनऊ से 270 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। शहर राप्ती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर के लिए भी काफी जाना जाता है। कॉरिडोर एक का निर्माण प्रस्ताव श्याम नगर से MMM इंजीनियरिंग कॉलेज तक है, जो कि 15.1 किलोमीटर की दूरी है। ये लाइन एम्स, DDU विश्वविद्यालय, रेलवे स्टेशन, धर्मशाला चौक और गोरखनाथ मंदिर जैसे प्रमुख स्थान सहित 14 स्टेशनों को भी जोड़ने का कार्य करेगा। कॉरिडोर 2 12.7 किलोमीटर लंबा है। ये BRD मेडिकल कॉलेज से नौसाद चौराहा तक 13 स्टेशनों के माध्यम से जुड़ा है। दोनों कॉरिडोर का धर्मशाला में एक इंटरचेंज स्टेशन होगा। प्रस्तावित इंटरचेंज की साइट रेलवे स्टेशन और धर्मशाला फ्लाईओवर के बीच स्थित है। कॉरिडोर एक पर धर्मशाला से पूर्वी तत्काल स्टेशन भारतीय रेलवे के साथ साथ बस अड्डे से भी उत्कृष्ट संपर्क प्रदान करने वाला स्टेशन गोरखपुर रेलवे स्टेशन होगा। कॉरिडोर एक पर तत्काल स्टेशन हजारीपुर स्टेशन होगा, जो कि हजारीपुर आवासीय क्षेत्र तथा आसपास के अन्य आवासीय क्षेत्रों को जोड़ने का काम करेगा। कॉरिडोर 2 पर तत्काल स्टेशन उत्तर की ओर असुरन चौक होगा। गोरखनाथ मंदिर को कॉरिडोर 1 पर गोरखनाथ मंदिर स्टेशन के माध्यम से जोड़ा जाएगा, जो कि हजारीपुर स्टेशन से पश्चिम की ओर अगला स्टेशन होगा। इस प्रणाली में 386 यात्रियों की क्षमता वाले प्रत्येक रेल में 2 अल्ट्रा लाइट ट्रांजिट कोच वाली मेट्रो रेल होगी। मेट्रो सेवाएं 6 घंटे की औसत आवृत्ति के साथ सुबह 6 बजे से 11 बजे तक प्रतिदिन 16 घंटे के लिए उपलब्ध रहेंगी। इस प्रणाली में लगभग 9600 यात्रियों को दिन के व्यस्त समय में उनके गंतव्यों तक ले जाएगी। इस परियोजना पर लगभग 4150 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इससे प्रतिदिन लगभग 5 लाख यात्रियों को लाभ होगा। ये प्रणाली शहर के परिवहन के लिए एक वरदान होगी और शहर में लोगों की सुरक्षित और कुशल आवाजाही में मदद करेगी।